और देखेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो हम शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से और इस तरह से आगे बढ़ते हुए चेक करेंगे माउंट्स को और फिर चेक करेंगे लाइंस को और इस तरह से पूरे हैंड का एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ फिंगर्स के एनालिसिस से, तो साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा ताकि आपको ईजिली सारे कॉन्सेप्ट समझ लग सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिंगर्स की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, यहाँ पर काफ़ी थिकनेस नज़र आ रही है मुझे फिंगर्स में और बेस जो है फिंगर्स का काफ़ी थिकनेस वाला है, तो काफ़ी एनर्जी रहेगी, स्टैमिना रहेगा, काफ़ी एक तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे ये अपनी लाइफ में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फिंगर्स की लेंथ ज़्यादा ना होने की वजह से थोड़े से क्विक भी रहेंगे डिसीजंस लेने के समय, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेना कुछ इस तरह की इनकी रुझान रहेगा, इनकी हैबिट रहेगी। और यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी नज़र आ रहा है मुझे मर्करी फिंगर के और अपोलो फिंगर के बीच में, तो थोड़ा सा रेबलियन टाइप ऑफ क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, थोड़ा सा अग्रेशन और इंडिपेंडेंट होने की डिज़ायर जो है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और फिंगर्स के बाद चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग क्या कहती है यहाँ पर इनके बारे में, उसके बाद आगे बढ़ते हुए चेक करेंगे माउंट्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो जो मर्करी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट है यहाँ पर, और हल्का सा यहाँ पर भी मुझे मर्करी फिंगर के साइज़ में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर आ जाता है और थोड़ी सी शाइनेस स्पेसिफिकली वाइल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स कुछ शाइनेस जैसी भी एक तरह से प्रभाव रहता है। अदरवाइज मर्करी फिंगर जो है काफ़ी थिक है और स्ट्रेट है, तो और कोई मुझे इनके हाथ में दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। अब चेक करते हैं माउंट्स को, माउंट्स इनके बारे में क्या क्या बताते हैं, सारे माउंट्स को चेक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर पिक है यहाँ पर। माउंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो माउंट्स को थोड़ा क्लोजअप लेकर देखते हैं। सबसे पहले बृहस्पति माउंट को चेक करते हैं, तो काफ़ी अच्छा हाई सेट है और एक बहुत ही अच्छी लाइन इनके माउंट के ऊपर पहुंच रही है, जिसको हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं पामिस्ट्री में। तो यहाँ लाइफ लाइन में से निकल कर जो एक लाइन ऊपर की तरफ पहुंच रही है तो काफ़ी शुभ है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में इस तरह की लाइन होती है काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, बेशक इनिशियल ईयर्स थोड़ी से स्ट्रगल भरे रह सकते हैं इनके, लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी होती जाती है। और ऐसे लोगों की राइटिंग बड़ी अच्छी होती है, राइटिंग में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद चेक करते हैं इनका सैटर्न का माउंट, गुरु का माउंट में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, काफ़ी अच्छा है इनका बृहस्पति और काफ़ी अच्छे फल देने वाला है, मुझे कोई भी नेगेटिव चिन्ह उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा। तो सैटर्न की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, सैटर्न का माउंट थोड़ा सा दबा हुआ है जिसके कारण मिक्स तरह की क्वालिटीज़ रहेंगी, थोड़ी सी स्ट्रगल रहेगी लाइफ में, लेकिन सैटर्न की लाइन काफ़ी अच्छी बन रही है और थोड़ी सी एक दो जगह पर ओवरलैपिंग है जिसके बारे में आगे चलकर डिस्कस करता हूँ मैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं सूर्य माउंट की, तो सूर्य का माउंट जो है मुझे एवरेज दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी फेम मिलने में दिक्कत होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर फेम चाहते हैं ये, तो इन्हें सूर्य के उपाय सबसे पहले करने पड़ेंगे, तभी फेम के चांसेस इनकी लाइफ में बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की लाइन मिसिंग है और सूर्य का माउंट थोड़ा सा जो दबा हुआ है, जिसकी वजह से फेम में दिक्कत आती है। चलिए आगे चेक करते हैं मर्करी माउंट को, मर्करी का माउंट मुझे यहाँ पर एवरेज दिखाई दे रहा है, मर्करी के माउंट में मुझे कोई फ्लॉ नज़र नहीं आ रहा, हल्का सा लो सेट होने की वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कभी कभी व्यक्ति के मन में आ जाता है, अदरवाइज़ इस माउंट पे भी मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, अब काफ़ी क्लियर यूनियन लाइन दिखाई दे रही है और जिसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो जो मैरिज की एज रहेगी वह 35 के आसपास की एज, 35 या 36 के आसपास की एज में मुझे यहाँ पर मैरिज इनकी सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। तो चलिए चेक करते हैं इनकी हार्ट लाइन को, हार्ट लाइन इनके बारे में क्या क्या बताती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली इनकी हार्ट लाइन है वो शुरू हो रही है बृहस्पति माउंट से, तो काफ़ी सीधी है, काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन और काफ़ी स्ट्रेट जिसको कह सकता हूँ, बिना किसी आइलैंड के, बिना किसी तरह की डबलिंग के, बहुत ही अच्छी लाइन है हार्ट की और बहुत ही फ्रेंडली नेचर, बहुत ही इस हार्ट लाइन से जैसे पता चल रहा है कि बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल पर्सनैलिटी इनकी रहेगी।
किसी के साथ भी मित्रता करेंगे, दोस्ती करेंगे तो बहुत अच्छे मित्र यह साबित होने वाले हैं। तो यहाँ पर इनकी हार्ड लाइन को मैं बहुत अच्छा मान रहा हूँ कि हार्ड लाइन बहुत ही अच्छी है, कोई भी इसमें ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा जिसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव माना जा सके। एक या दो जगह पर हल्की सी डाउनवर्ड जाने वाले, एक या दो जिसको हम कह सकते हैं नीचे की तरफ चलने वाले ऑफशूट्स हैं, तो उनकी वजह से बहुत ही लाइट से ऑफशूट हैं, तो जिनकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इमोशनल सेटबैक, अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। हार्ट की लाइन में वैसे थोड़ी सी वीकनेस इस एरिया में थोड़ी सी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कोई हल्की फुल्की इनको प्रॉब्लम, जैसे मिडल एज में चलकर, यहाँ पर जो एज बन रही है इनकी 40 के बाद की एज है, इसमें थोड़ी सी वीकनेस है, तो मिडल एज में चलकर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो सकती है, तो इनको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 45 के आसपास की एज में, अदरवाइज हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छा फल देने वाली है। आगे चेक करते हैं माइंड की लाइन को, तो माइंड की लाइन इनके बारे में क्या बता रही है, तो बहुत ही सीधी लाइन है हथेली के आर पार जाने वाली, जो शो करती है कि बहुत ही ब्रिलियंट माइंड जिसको हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ कुछ लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रही है, पूरे हथेली के आर पार चलने वाली यह लाइन व्यक्ति को बहुत ही ब्रिलियंट बनाती है, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस लाइन की वजह से ये स्टडीज़ में बहुत अच्छे होंगे, स्कूलिंग इनकी बहुत अच्छी रही होगी, स्टडीज़ में भी बड़े अच्छे मार्क्स लेने वाले ये स्टूडेंट रहे होंगे। काफ़ी सीधी लाइन है और कोई भी डिक्लाइन नहीं है लाइन में, इमोशनल नहीं है यहाँ पर, ये प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं। हार्ट की लाइन जैसे थोड़ा सा कर्व ले रही थी, तो हार्ट की तरफ से थोड़े से इमोशंस इनके अंदर रह सकते हैं, लेकिन माइंड की लाइन के तरफ से कोई भी इमेजिनेशंस ऐसी कोई चीज़ें इनके हाथ में नहीं दिखाई दे रही, तो काफ़ी अच्छी लाइन है माइंड की भी। तो आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ क्या कह रही है इनके बारे में, तो एक बार इन लाइन्स को मिटाना चाहूँगा जो अभी तक बनाई हैं, और थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे इनकी लाइन ऑफ लाइफ इनके बारे में क्या क्या बता रही है। तो लाइफ की लाइन और माइंड की लाइन दोनों यहाँ पर अलग अलग एक गैप के साथ चल रही हैं, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, यहाँ से कुछ इस तरह से रुख बन रहा है इनकी लाइफ लाइन का, और यहाँ से एक रुख बन रहा है इनकी माइंड की लाइन का, तो बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है यह शो करता है इंडिपेंडेंट होने की डिज़ायर, बचपन से ही यह इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने वाली पर्सनैलिटी रहे होंगे, क्योंकि बीच में गैप है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है तो दो व्यक्ति विद्रोही बन जाता है, रेबल हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन इतना है कि व्यक्ति इंडिपेंडेंट हम कह सकते हैं कि अपने डिसीजन सारे के सारे खुद लेने वाला, ऐसी नेचर यहाँ पर इनकी शो हो रही है। और आगे देख रहे हैं इनकी लाइन को, कुछ लाइन्स टच कर रही हैं यहाँ पर, आपको दिखाना चाहूँगा क्लियरली, यहाँ पर काफ़ी डीप लाइंस टच कर रही हैं, और यहाँ पर यह लाइन तो काट कर निकल रही है और एक लाइन यहाँ पर सिर्फ टच हो रही है, तो ये दो स्ट्रेस लाइंस हैं इनकी लाइफ में, और स्ट्रेस भी एक स्ट्रेस की जो लाइन है जो लगभग मुझे 25 के आसपास की एज में दिखाई दे रही है, पहले वाली 25 के आसपास की एज में कोई स्ट्रेस इनको रहा होगा जिसकी वजह से लाइफ में डिस्टर्बेंस आई होगी, और यहाँ पर उस वो डिस्टर्बेंस दोनों लाइंस पे दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर लाइफ में भी और इमोशनली भी डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद का जो स्ट्रेस है बहुत कम है, लेकिन फिर भी यह थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाला है, और हो सकता है ये दूसरा स्ट्रेस फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है फाइनेंशियल स्टेटस में, तो कुछ यहाँ पर दिक्कत रही है, लगभग 32-33 के आसपास की एज में यह थोड़ा सा स्ट्रेस इनकी लाइफ में रहने वाला है, लेकिन आगे चलकर एज काफ़ी अच्छी होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लाइन ऑफ शूट काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ चलने वाला है, और इस ऑफ शूट की वजह से इनको प्रोग्रेस मिलेगी इस एज में चलकर, काफ़ी अच्छी बड़ी वाली प्रोग्रेस जिसको हम कह सकते हैं, और यह जो एज बन रही है लगभग 50 के आसपास की एज है जिसमें प्रोग्रेस इनके हाथ में शो हो रही है। तो यह कुछ स्ट्रेस और प्रोग्रेस के मार्क्स थे इनकी लाइफ लाइन पर, अगर ओवरऑल लाइफ लाइन को चेक किया जाए तो लगभग इनकी जो एज रहेगी वो 95 के आसपास की एज यहाँ पर रहेगी, काफ़ी लंबी लाइफ की लाइन है, काफ़ी अच्छी एज है, 90 प्लस तो इनकी एज रहने वाली है, और एक मार्स की लाइन अंदर की तरफ चल रही है जिसको बहुत लकी माना जाता है, यहाँ पर यह जो मार्स की लाइन साथ साथ चल रही है यह व्यक्ति को एनर्जी देती है, एनर्जी के साथ साथ करेज, और इसकी वजह से धन लाभ भी काफ़ी होता है, तो यह काफ़ी अच्छा चिन्ह है
जिसकी वजह से इनको धन लाभ मिलेगा, और इस लाइन की वजह से अचानक से धन मिलना और इनहेरिटेंस वगैरह मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ तक पर हमने चेक किया इनकी लाइफ की लाइन को, अब चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ फेट क्या बता रही है इनके बारे में। फेट की लाइन इनके बारे में जो इंडिकेशंस दे रही हैं काफ़ी अच्छी लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर 30 प्लस की एज में जाकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 36 की एज में यह कोई प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लाइन सीधी चल रही है यहाँ तक, और यह लगभग 36 की एज तक स्ट्रेट चल रही है, जिसमें एक प्रोफेशन में ये रहेंगे। यहाँ से ओवरलैपिंग होती हुई नज़र आ रही है, फिर यहाँ से काफ़ी अच्छी लाइन। तो यहाँ पर दो ओवरलैपिंग्स नज़र आ रही हैं अलग अलग एजेस में। या ऊपर वाली जो एज रहेगी 58 के आसपास की एज, जिस एज में जाकर फिर से एक चेंज है, और यहाँ पर जो एक एज दिखाई दे रही है यह मुझे दिखाई दे रही है 36 के आसपास की। तो 36 की एज में एक प्रोफेशन में थोड़ा सा चेंज, और 58 की एज में फिर से चेंज। दो बार चेंजेस रहेंगे इनकी लाइफ में, लेकिन चेंजेस पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि लाइन ऑफ फेट जो है आगे कंटिन्यू हो रही है। एक ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद कंटिन्यू हो रही है। तो इट मींस के 36 तक की एज तक ये एक ही प्रोफेशन में चलेंगे, जिसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, और उन अप्स एंड डाउन्स के होने के कारण यह कुछ चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, और लेकिन वो चेंजेस के बाद इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। यहाँ पर वो ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से शो हो रही है, और यहाँ पर ब्रेसलेट लाइन के ऊपर भी मुझे इनके यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहा है काफ़ी अच्छा, जिसको एक तरह से अचानक धन मिलने का चिन्ह भी कहा जाता है, जिसको कुछ इस तरह से जो त्रिकोण का चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है, ऐसा त्रिकोण का चिन्ह जो बनता है व्यक्ति को अचानक से लाभ देता है, और लाइफ के किसी भी एज में इनको वो लाभ मिल सकता है। इसकी कोई एज लिमिट यहाँ पर कंफर्म नहीं होती, लेकिन बाकी लाइन से हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं। तो 36 की एज वो रह सकती है जिसमें इनको अचानक कोई बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या इनकी लाइन से हमें पता चलता है। यहाँ पर कुछ लाइंस देख सकते हैं, वो ऊपर की तरफ चलने वाली मून एरिया से जो ट्रैवल की लाइंस हैं, और इनकी वजह से काफ़ी इनको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, और लंबी लाइंस भी हैं, और यहाँ पर एक लाइन इस तरफ से भी चल रही है। तो यह जो लाइंस हैं ये ट्रैवल की हैं, और इससे फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस भी बनते हैं, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट होने के इनके चांसेस मुझे नहीं नज़र आ रहे। विदेशों में जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएँ ये कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। तो ट्रैवल की काफ़ी सारी लाइंस हैं, तो काफ़ी ट्रैवलिंग इनको करनी पड़ सकती है लाइफ में, और काफ़ी अच्छा एक ट्रायंगल बन रहा है इनके हाथ में, जिसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर ये अभी परेशान हैं पैसे से रिलेटेड, तो इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो इनके हाथ में ट्रायंगल बन रहा है बहुत ही अच्छा है, और काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी ट्रायंगल जिसको हम नाम देते हैं, इनके हाथ में काफ़ी बड़े साइज़ का बन रहा है, तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी जल्दी ही। और मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन यह बताती है कि फ्यूचर में इनके पास काफ़ी सारा पैसा होने के चांसेस हैं, और मल्टीपल वे से इनके पास पैसा आने के चांसेस हैं, यानी किसी एक जगह से नहीं, कई रिसोर्सेज से, कई सोर्सेज से इनको पैसा मिल सकता है। तो यह एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, जिसको मैंने लगभग कोशिश की कि सारे के सारे जो चिन्ह हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊं, लेकिन फिर भी अगर कोई चिन्ह रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं, ताकि इनकी हेल्प हो सके। और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो, पेंडिंग रह गया हो, तो यह मुझे इसी ईमेल पर जहाँ पर मैं इनको ये लिंक सेंड करूँ रिप्लाई करें, ताकि मैं इनके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो टाइमली मैनर पर दे सकूँ। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।